हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड फन गेम्स। तो चलो आज हम क्या खेलेंगे। आज हम कोई गेम नहीं खेलेंगे, आज हम सबसे पहले एक स्टोरी रीड आउट करेंगे। ओके, तो चलो आज हम सबसे पहले स्टोरी कौन सी रीड आउट करेंगे, द थर्स्टी क्रो। सब बच्चों ने सुनी है ना ये वाली स्टोरी, चलो हम उसको सुनते हैं और रीड आउट भी करेंगे। इट वॉज अ हॉट समर डे, बहुत गर्मी का टाइम था उस टाइम, है ना। A thirsty crow flew into a village searching for some water to drink. After a long time, I think there is a pot of water under one of the tree on the farm was a pot of water. अब ये अपने पॉट के पास जा रहा है, इसने जो देखा था। The crow saw that there was a very little water in the pot. The crow looked around. He saw some pebbles. An idea struck in his mind, I can use this pebbles to bring the water up. अब इसने एक pebbles देखे हैं, अब इन pebbles का क्या करेगा, ये कंकड़ पत्थर का क्या करेगा, इसमें डाल देगा। He picked up the pebbles one by one and dropped them into the pot. As he dropped the pebbles into the water came up. जैसे ही pebbles डालता गया पानी ऊपर आता गया। अब ये पानी ऊपर आ गया तो क्या करेगा करो, Soon it was high enough for him to drink. He drank the water. मतलब इसके लिए पानी ऊपर आ गया। That was great. इसने पानी पी लिया, इसने अपनी प्यास बुझा ली। Then he flew away happily. अब ये खुशी खुशी उड़ गया। तो moral क्या हुआ इस story का, Think and work hard. You may find solution to any problem. मतलब हमें हमेशा work hard करना चाहिए, कड़ी मेहनत करनी चाहिए, तो हमें हमारे सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा, है ना बच्चों। चलो हम अपनी अब नेक्स्ट गेम में चलेंगे। एक सुंदर सी स्टोरी पढ़ी हमने और मॉरल भी देखा ना इस स्टोरी का। चलो अब हम चलते हैं फन गेम में। अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा पजल करेंगे। ओके, अब हमें इस लेमन को एल तक पहुँचाना है। एल फॉर क्या होता है, लेमन। तो अब हम देखते हैं ये लेमन कैसे जाएगा एल के पास। ओके, लेट्स सी। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे तो ये स्टक हो जाएगा इधर। ऐसे ऐसे, ये हमने लेमन को लेमन के एल के पास पहुंचा दिया। वाओ, इसने तो लाइम जूस भी बना दिया बड़ी जल्दी। ग्रेट जॉब, हमें 1 स्टार मिला। अब हमें एलिफेंट को ई तक पहुंचाना है। तो ई फॉर क्या होता है बच्चों, एलिफेंट। अब हमें एलिफेंट को ई तक पहुंचाना है, तो कैसे पहुंचाएंगे देखते हैं, लेट्स सी। वाओ, ये तो बहुत इजी था, ये पहुंच गया ई। चलो नेक्स्ट, एच फॉर क्या होता है, मैंने बताया था ना आप सभी को, एच फॉर क्या होता है, एच फॉर हार्ट। तो हार्ट को हम एच के पास पहुंचाएंगे। ओके, यस, वेरी गुड। बच्चे तो बड़े होशियार हो गए, पजल भी खेलने आ गए बच्चों को, तो क्या बात है। चलो अब सी फॉर क्या होता है, सी फॉर कैरेट। अब हमें कैरेट को सी के पास पहुंचाना है। वाओ, हमने तो एक बारी में कर लिया, क्या बात है। अब यू फॉर क्या होता है, अम्ब्रेला। तो अब हम अम्ब्रेला को यू तक पहुंचाएंगे। यस, नेक्स्ट क्या है, एम फॉर मैंगो। अब हमें मैंगो को एम तक पहुंचाना है। ओके, क्या बात है, ये तो बहुत इजी था, हमने तो 2 मिनट में पार कर लिया इसको। नेक्स्ट क्या है, काइट, के फॉर काइट। अब हमें काइट को के पास लेके जाना है। ओके, तो कैसे लेके जाएंगे, वाओ, ये भी हमने एक बार में पार कर लिया, क्या बात है, हम तो बड़े इंटेलिजेंट हो गए। अब है आई फॉर आइसक्रीम। अब हमें आइसक्रीम को आई के पास पहुंचाना है। वाओ, सबसे इजी तो ये वाला था। अब इसको जेड, Z,
वाओ। अब क्या है? टी फॉर टाइगर। अब हमें टाइगर को टी के पास पहुंचाना है। ये हमें तो 2 स्टार्स मिले। अब क्या है? एफ फॉर फिश। तो अब हमें फिश को एफ के पास पहुंचाना है। ये क्या बात है, फिश तो पानी में कूद गई। हमें तो 2 स्टार्स मिले, क्या बात है। चलो अब हम आगे देखते हैं। आगे क्या है? जे फॉर जग। अब हमें जग को जे के पास पहुंचाना है। ओ ऊपर नहीं, नीचे। या ये क्या बात है। अब है नेक्स्ट वी फॉर वैन। अब हमें वैन को चलाते हुए कहाँ लेके जाना है? वी के पास। वेरी गुड। वैन देखना स्टक ना हो जाए यहाँ पर। ओ यहाँ पे नहीं, थोड़ा ऊपर, अप एंड डाउन। ये वैन तो चली गई। कहाँ चली गई वैन? स्कूल। वाओ हमें फिर से 2 स्टार्स मिले, क्या बात है। नेक्स्ट है डॉग, डी फॉर डॉग। अब हमें इस डॉग को डी के पास पहुंचाना है। चलो डाउन। ये क्या बात है। अब क्या है नेक्स्ट? एन फॉर नेस्ट। नेस्ट को फटाफट हमें एन के पास पहुंचाना है, क्या बात है। चलो अब हम अपनी नेक्स्ट गेम में चलेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कितने स्टार्स मिले। वाओ हमें तो 3 स्टार्स मिल गए। चलो अब हम अपनी नेक्स्ट गेम में चलते हैं। अब हम क्या खेलेंगे यहाँ पर? अब हम थोड़ी सी कार ड्राइविंग करेंगे। ओके थोड़ी सी कार गेम खेलेंगे, कार वाली गेम। चलो स्टार्ट करते हैं। अब हमें कार को अप लेके गए, फिर अगर कोई कार आती, जैसे कार आ गई तो डाउन डाउन कर देंगे हम अपनी कार को। देन अप। ओ ये तो पानी में छप छप करने लगी। फ्यूल ले लेंगे। अब कार का खाना कौन सा होता है? कार क्या खाती है, मतलब क्या पीती है? फ्यूल, जिस वजह से वो चलती है। जैसे आप लोग अपना फूड खाते हो ना, तो वैसी कार भी अपना फूड खाती है। कार का फूड क्या होता है? फ्यूल। एक बार हमने फिर ले लिया फ्यूल, क्या बात है। हम तो बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। अब हम कॉइन्स ले लेंगे। वाओ हमें तो कॉइन्स भी मिले, क्या बात है। हम तो अच्छा स्कोर करेंगे बहुत। ओ ये तो फिर से कीचड़ में चली गई। ओ नहीं, ये हम जीत गए, क्या बात है, हम विनर बन गए। चलो हम अपनी नेक्स्ट गेम में चलेंगे अब। ओके अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे पिज़्ज़ा बनाएंगे। कौन सा वाला? सब बच्चे कौन सा वाला पिज़्ज़ा खाएंगे? वेज। तो चलो सबसे पहले हम इसको राउंड राउंड करते हैं रो बेलन से। ओके बेलन को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रोलिंग पिन। क्या बोलते हैं बच्चों? रोलिंग पिन। वेरी गुड। अब हमने इस डो को राउंड राउंड कर लिया। देन इसको हम क्या करेंगे? कवर अप करेंगे सॉसेस से। तो ये कवर अप हो गई। देन मेयोनीज। अब ये भी कवर अप हो गई इससे। देन अब हम इसको क्या करेंगे? वेजिटेबल्स को कलेक्ट करेंगे। ओके टमाटो और ऑरिगैनो, मशरूम्स, कुकुम्बर एंड लीव्स। देन हम कट करेंगे हम इसको। ओके कैसे कट करेंगे? टक 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 टक। अब हम मशरूम्स को कट करेंगे। टक 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 टक। नहीं नहीं ये तो कॉर्नफ्लेक्स हो गई। टक 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 टक। अब हम टमाटो कट करेंगे। टक टक।
चलो हमने तो सारी वेजिटेबल्स कट कर ली, हम पहले लीव्स को पुट करेंगे। ओके, इससे हमारी पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी होगी। अब हम कुकुम्बर पुट करेंगे, फिर क्या करेंगे, मशरूम एंड टोमेटो। वाओ, हमारा पिज़्ज़ा तो बहुत रेनबो कलर का हो गया। अब हम थोड़ा सा इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे। ओके, अब डाल दिया, अब हम इसको ओवन में रख देंगे थोड़ी देर के लिए। हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा, फिर हम इसको निकालेंगे और क्या करेंगे, कट करेंगे। या चलो, हमारा पिज़्ज़ा तो अब कट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको खा लेंगे। यम 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 यम। तो बताओ बच्चों, आपको कैसा लगा हमारा पिज़्ज़ा, टेस्टी लगा ना? तो चलो अब हम अपने नेक्स्ट गेम में चलेंगे। आज के लिए तो बहुत है इतना वैसे। अब हम मिलेंगे आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट गेम में। और सभी बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर भी करेंगे। ओके, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू सून।